सीएम योगी भले ही भू माफियाओं पर लगाम लगाने के वादे और दावे कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के ही लोग उनके आदेशों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला कौशाम्बी से सामने आया। यहां पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जय चंद्र मिश्रा पर एक विधवा की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पति की मौत के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए गांव से भगाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बेसहारा पीड़िता ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की, लेकिन सूबे में बीजेपी की सरकार होने के चलते आज तक अपनी जमीन पर कब्जा वो नहीं पा सकी है। पीड़िता की प्रशासन भी कोई मदद नहीं करते हुए नजर आ रहा है। मामला ये था कि हमारी सास जी हैं, उनकी जमीन ग्राम सभा उनो में पुस्तैनी जमीन थी, जिसको कि एक भाजपा नेता ने कूटनीतिक तरीके से जो है फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया। और फिर हमारे ससुर लड़ाई लड़ते रहे, जब मालूम हुआ, लंबी लड़ाई रही, इसी बीच उनका निधन हो गया, वो ख़त्म हो गए। जब हमें मालूम हुआ तो फिर हम ये लड़ाई लड़े, लंबी लड़ाई लड़े, अंत में डीएम साहब ने जो है आदेश किया एफआईआर का, इन्हें भू माफिया घोषित किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता एहमान अहमद जुड़ गए हैं। एहमान, जानना चाहेंगे कौशाम्बी का ये मामला जहां पर एक विधवा महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, बीजेपी के ही जो नेता हैं उनके द्वारा ये कब्जा किया गया है। एक तरफ जहां यूपी सरकार वादे करती है तमाम भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक विधवा महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। क्या कुछ इस वक्त आप जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि बताना चाहेंगे नेहा जी, गृह मंत्री ये जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी का मामला है, मंझनपुर का मामला है, कि जबकि एक बीजेपी के नेता जो है एक विधवा की जमीन जो है छीन के जबरदस्ती जो उसने कब्जा कर लिया। विधवा जगह जगह पे दर दर भटक रही है, मगर प्रशासन द्वारा उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही थी। कल जब वो डीएम साहब से मिली और जब उनको जो है पत्र दिया और सारी आबीती बताई कि ऐसा ऐसा मामला, हमारे पति के मर जाने के बाद जो है हमारी जमीन कब्जा किया जा रहा है, तो प्रशासन अभी जो जांच के सिर्फ जांच के लिए कहा है, जो जांच में आएगा वो किया जाएगा। एहमान, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि विधवा महिला जो है उन्होंने केस भी लड़ा और उसके बाद ये लड़ाई लड़ी, उसके बाद जीत भी हासिल की, लेकिन जीत जीतने के बावजूद उनकी जो जमीन है वो आज तक उन्हें नहीं मिल सकी है। कागजी कार्रवाई अभी भी चालू है, अभी जिसमें जो है मुकदमा उन्होंने जीत लिया था और जमीन जो है उनको वो हो गया था, जमीन को जो है दे दिया जाए, मगर फिर भी अभी तक जमीन पे कब्जा इनका नहीं हो पाया। बहुत दिन से चक्कर लगा रही, कल इन्होंने बैठ के वहीं पे सत्संग में सारी बातें हम लोग मीडिया द्वारा जो है उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा मामला है, बीजेपी के निजाम बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाएगा, उनकी जमीन भू माफिया अभियान भी चलाया जा रहा है, मगर इसमें बीजेपी के नेता ही हमारी जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। एहमान, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे जो पीड़ित महिला है उनका फिलहाल क्या कहना है कि अगर उनकी जमीन उनको वापस नहीं मिलेगी तो आगे वो क्या रुख करेंगी? बताया है कि अगर हमारी जमीन अगर हमें वापस नहीं मिलेगी तो हम इसके लिए योगी जी से भी मिलना, अगर होगा तो योगी जी से मिलने भी जाएंगे ये जमीन के लिए, मगर जमीन अपनी हमारी जमीन है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी तरह। जी एहमान, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो आपने कहा कि डीएम से भी बातचीत हुई तो उनका फिलहाल क्या कहना है? ने भी इसको जांच के लिए वो दिया, कोर्ट का जो कागज उन्होंने देखा है तो इसमें जांच के लिए दे दिया कि जैसे भी होगा आपको जमीन दिलाई जाएगी। उनको सिर्फ एक कह सकते हैं आप जो सिर्फ एक जो है उनको करने के लिए उनको बताया गया है, बाकी कोई अभी कार्रवाई ऐसे कोई प्रशासन तरफ से कोई कार्रवाई बड़ी नहीं आई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपको बता रहे थे कौशाम्बी का मामला जहां पर एक विधवा महिला की ज़मीन पर एक बीजेपी नेता द्वारा कब्जा कर लिया गया, महिला ने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद जीत भी हासिल की, लेकिन उसके बावजूद महिला को ज़मीन आज तक मिल नहीं पाई है। फिलहाल डीएम ने कार्रवाई की बात कही।